हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम यहां पे बात करने वाले बोट एयरड्रॉप्स 433 ईयरबड्स का अनबॉक्सिंग और इसके साथ साथ यहां पे इसके स्पेसिफिकेशन के बारे में आगे वीडियो में बात करते हैं। उससे पहले अगर आप पहली बार इस चैनल पे आए हो तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, क्योंकि इसी तरीके की हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द आती रहे। तो बिना टाइम गवाए जल्दी से शुरू करते हैं इस एयरड्रॉप्स का अनबॉक्सिंग। गाइस, यहाँ पे इसके बॉक्स के बारे में बात करें तो यहाँ पे इसकी जो ब्रांडिंग है वो देखने को मिल जाएगी। इसके अलावा यहाँ पे इसकी जो ट्रैग लाइन है ग्रू ऑन द मूव करके, वो भी दी गई है। और इसके अलावा यहाँ पे इसके कुछ फीचर्स आपको फ्रंट साइड के बॉक्स के ऊपर देखने को मिल जाएंगे। अब गाइस, यहाँ पे इस बॉक्स को हम यहाँ से ओपन करते हैं तो जैसे डायरेक्ट बॉक्स ओपन नहीं होता है, लेकिन यहाँ पे इसका जो पैकेजिंग है वो कुछ डिफरेंट टाइप का पैकेजिंग आपको यहाँ पे दिया गया हुआ है। और गाइस, यहाँ पे साइड वाले पार्ट में भी बोट ने अपनी ब्रांडिंग की है। और इसके अलावा इसके पीछे के साइड आपको यहाँ पे इसकी जो टैग लाइन है वो देखने को मिल जाएगी। इसके अदर फीचर्स की डिटेल भी आपको यहाँ पे दी गई है, इसके बारे में डिटेल में आगे वीडियो में बात करने वाले हैं। अब बिना टाइम गवाए जल्दी से इस बॉक्स को ओपन करते हैं और देखते इसके अंदर से कौन कौन से कंटेंट आपको यहाँ पे मिलने वाले हैं। तो गाइस, यहाँ पे जैसे ही बॉक्स को हम ओपन करते हैं तो इसके अंदर से आपको जो हमारा बोट एयरड्रॉप्स 433 है वो देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा आपको यहाँ पे इसकी जो कैटलॉग है वो देखने को मिल जाएगी। और यहाँ पे ये भी कुछ कंट्रोल के इश्यू है, मतलब कि FAQ कार्ड आपको देखने को मिल जाएंगे। और इसके अलावा यूज़र मैनुअल दी गई है, कुछ डिफरेंट डॉक्यूमेंटेशन देखने को मिलती है। और इसके अलावा 1 ईयर की वारंटी कार्ड भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा। और यहाँ पे आपको 2 सेट ऑफ एक्स्ट्रा ईयर टिप्स देखने को मिल जाएगी। और इसके अलावा आपको यहाँ पे बोट हेड करके यहाँ पे जो इसकी स्टिकरिंग है वो, मतलब कि एक ब्रांडिंग टाइप के जो दिया गया जाता है वो आपको यहाँ पे भी मिलता है। और इसके अलावा यहाँ पे Type-C 2 USB चार्जिंग केबल भी आपको यहाँ पे मिल गया है, मतलब कि ये जो ईयरबड्स है इसके अंदर Type-C चार्जिंग सपोर्टेड है। अब यहाँ पे इस सब प्रोडक्ट को साइड में करते हैं और बात करते हैं यहाँ पे इस मेन एयरड्रॉप्स के बारे में। पे एयरड्रॉप्स के केस के बारे में बात करें तो यहाँ पे फ्रंट साइड में इसकी जो ब्रांडिंग है वो देखने को मिल जाएगी। और इसके अलावा इसके नीचे वाले पार्ट में आपको LED लाइट देखने को मिल जाएगी। अब बात करते हैं इसके फिनिशिंग के बारे में, तो गाइज यहाँ पे आपको ये जो ईयरबड्स के जो केस है वो आपको ग्लोसी फिनिश में देखने को मिल जाएगा। और इसके अलावा इसके नीचे वाले पार्ट के ऊपर आपको Type-C चार्जिंग पोर्ट भी दिया गया हुआ है, मतलब कि यहाँ पे जो इसकी चार्जिंग स्पीड है वो काफ़ी अच्छी आपको देखने को मिल जाएगी। बोट एयरड्रॉप्स 433 के बिल्ड एंड क्वालिटी एंड लुक के बारे में बात करें तो यहाँ पे गाइस इसकी जो बिल्ड एंड क्वालिटी की पहले बात करते हैं, तो यहाँ पे इसकी जो बिल्ड एंड क्वालिटी है वो आपको यहाँ पे प्लास्टिक मटेरियल से बनाई गई हुई है। और इसके ईयरबड्स के ऊपर आपको यहाँ पे टच गेस्चर नहीं मिलते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको बटन्स देखने को मिल जाएंगे। लेकिन मेरे ख्याल से इस प्राइस रेंज के मुताबिक इन ईयरबड्स के ऊपर आपको टच गेस्चर दिया होता तो काफ़ी अच्छा रहता है। अगर अदरवाइज इसके लुक के बारे में बात करें तो इसका जो लुक है वो इन ईयर टाइप का लुक दिया गया है, जिससे थोड़ा सा अच्छा लगता है। इस प्राइस रेंज के मुताबिक भी ये लुक वाइज और सब के मुताबिक काफ़ी अच्छी प्रोडक्ट आपको यहाँ पे दी गई है, लेकिन टच गेस्चर होता तो और भी एनहेंस हो जाता। अब बात करते हैं यहाँ पे इसकी बैटरी कैपेसिटी के बारे में, तो गाइज यहाँ पे इसकी जो बैटरी कैपेसिटी है वो आपको चार्जिंग केस के अंदर आपको 500 mAh की बैटरी बैकअप मिलती है, मतलब कि आप अगर इस ईयरबड्स को टोटल 4 टाइम्स आप इसको चार्ज कर सकते हैं और आपको 10 आवर्स तक का प्लेबैक टाइम देखने को मिल जाएगा। और वन टाइम चार्ज करने से आप यहाँ पे इसको 3.5 मतलब कि 3.5 घंटे तक इस ईयरबड का यूज़ कर सकते हो। इनके कलर वेरियंट्स के बारे में बात करें तो यहाँ पर जो इसके कलर वेरियंट्स है वो 3 टाइप्स के कलर वेरियंट्स आपको देखने को मिल जाएगा, ब्लैक, ब्लू एंड रेड, ये 3 कलर वेरियंट्स में आपको ये अवेलेबल होने वाला। अब बात करते हैं यहाँ पे इसके साउंड के बारे में, तो गाइज यहाँ पे इसका जो साउंड एक्सपीरियंस है वो मुझे तो काफ़ी हद तक अच्छा लगा है, मतलब कि इस प्राइस रेंज के मुताबिक इसका जो साउंड है वो काफ़ी अच्छा है, मतलब कि यहाँ पे जो वोकल है, इसका जो ट्रबल है, और इसके अलावा यहाँ पे इसकी जो बेस क्वालिटी है वो भी इन प्राइस रेंज के मुताबिक सर ठीक ठाक यहाँ पे आपको दी गई हुई है। इससे जो इसके साउंड एक्सपीरियंस है वो आपको काफ़ी अच्छा देखने को मिल जाएगा। और गाइस यहाँ पे इसकी जो कंफर्टेबिलिटी है वो भी एकदम बढ़िया दी गई हुई है, मतलब कि ये अपने इन ईयर टाइप की शेप में मिलता है, मतलब कि ये अपने कानों में से आसानी से नहीं गिरता है। और इसके अलावा यहाँ पर आपको बाहर की जो आवाज़ है वो भी काफ़ी हद तक कम कर देता है।
इसके अलावा यहाँ पे इसके अदर फीचर्स के बारे में बात करें तो यहाँ पे जो इसकी ब्लूटूथ कनेक्टिविटी है वो आपको वर्जन 5.0 देखने को मिल जाएगी, और जो इसकी जो कनेक्टिविटी की रेंज है वो भी सेम ऑलमोस्ट हर एक ईयरबड में मिलती है, मतलब कि 10 मीटर तक की कनेक्टिविटी आपको देखने को मिल जाएगी। अब बात करते हैं यहाँ पे इसके IPX रेटिंग के बारे में। तो गाइज ये वाला जो ईयरबड्स है वो आपको IPX4 सर्टिफाइड, मतलब कि ये वाटर एंड स्वेट प्रूफ आपको ये देखने को मिल जाएगा। लेकिन मेरे ख्याल से यहाँ पे ये ईयरबड्स IPX6 या IPX7 के आसपास आपको दिया होता तो काफ़ी अच्छा रहता, क्योंकि इस प्राइस रेंज के मुताबिक अभी जो कोई नए ईयरबड्स लॉन्च होते हैं तो इसके अंदर IPX6 और IPX7 ऑलमोस्ट आपको मिलता है। लेकिन यहाँ पे IPX4 दिया है, कोई बात नहीं है, ये भी वाटर एंड स्वेट रेजिस्टेंट आपको देखने को मिल जाएगी। और इसके अलावा यहाँ पे इसके ऑटो कनेक्ट टेक्नोलॉजी, मतलब कि अगर आपके डिवाइस में ब्लूटूथ ऑन है और इसको आपको ने ऑलरेडी पेयर कर दिया है, मतलब कि सेकंड टाइम आप इसका यूज़ करते हो तो इसको जैसे ही अपने चार्जिंग केस से ओपन करते हो तुरंत ही, मतलब कि इमिडिएटली आप इस ईयरबड, मतलब कि ये जो बॉट एयरडॉप्स 433 है उसके साथ कनेक्ट हो जाएंगे और इसका लुत्फ उठा सकते हो। तो गाइस आज का वीडियो आपको कैसा लगा है वो मुझे जल्दी से बता दीजिए कमेंट सेक्शन में। और इसके अलावा आज का वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और इस वीडियो को लाइक एंड शेयर भी कर दीजिए।